क्लासेस अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों कट ऑफ पर वीडियो सिलसिला जारी है और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का पहले बनाया, फिर वेस्टर्न रेलवे मुंबई का बनाया, फिर सेंट्रल रेलवे मुंबई का बनाया, फिर डब्ल्यू सी आर जबलपुर का बनाया। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है दोस्तों, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट से जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज के डेट में मैं बनाऊंगा साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का पूरा एनालिसिस है, ठीक है। ग्रुप डी 2018 और ग्रुप डी 2022 में क्या होने की संभावना है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहता हूँ, ये जो कट ऑफ है ये आफ्टर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के आधार पर है, रॉ मार्क्स के आधार पर नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नए आए होंगे तो, है ना, और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप डी 2018 का जो पीटी का कट ऑफ गया था, ठीक है, ये जो कट ऑफ था ये पीटी का था जिसमें 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है ना। तो जनरल पोस्ट का, ये सिकंदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ सेंट्रल रेलवे, है ना। अभी तक जो 5 जोन, इसमें मैं बोल दूँ ये 5 जोन में अभी तक मैं जो आंकड़ा देखा हूँ ये सबसे कम आंकड़ा है, तो सबसे कम कट ऑफ यहाँ जाने की संभावना है। जनरल की जो पोस्ट थी 3234 पोस्ट की वैकेंसीज थी 2018 में, 3 गुना लोगों को लगभग बुलाया गया था इसमें, ठीक है। तो लगभग 9600 समथिंग या 700 समथिंग को बुलाया गया था, जिसमें कट ऑफ 69.7 कट ऑफ गई थी। और ये कट ऑफ से पहले हम लोग बात करते हैं इसकी अटेंडेंस की। दोस्तों 2018 में फॉर्म्स जो अप्लाई हुआ था, 14.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, ठीक है, जिसमें जो अटेंडेंस था 7,97,500 की अटेंडेंस थी। और अगर पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो 122 कंपटीशन थी, ठीक है। अगर हम लोग 3 गुना लोगों को 19,000 लोगों में देखेंगे तो पर सीट की कंपटीशन जो थी, है ना, वो 122 की थी। और सॉरी 6523 में था ये कंपटीशन, हाँ ठीक है। तो पर सीट कंपटीशन की बात की थी, अगर सिंगल में देखेंगे जैसे 6523 में थी तो 122 की थी। और वहीं पर पीईटी के लिए देखेंगे तो मात्र 40 पर सीट की कंपटीशन थी। और यहीं पर इस समय की बात करते हैं दोस्तों, इस समय टोटल वैकेंसीज 9328 है, 6523 के कंपैरिजन में 1.5 गुना वैकेंसीज है ना। और इस समय जो फॉर्म अप्लाई हुआ है लगभग 7,74,959 फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसमें 45% के हिसाब से देखेंगे तो इतनी होती है 3,48,731। और पर सीट के अगर हम लोग पीटी की बात करें तो 12.7 की पर सीट कंपटीशन है, और अगर डीवी मेडिकल की बात करें तो 38% की कंपटीशन है। तो सबसे कम कट ऑफ जाने की संभावना यहीं से है। तो जनरल की उस समय जब गई थी, है ना, 122 के लिए तो 69.7 गई थी। अब 38 पोस्ट पर सीट की वैकेंसी के लिए देखते हैं, और 3663 अभी जनरल की वैकेंसी है वहाँ, तो मैं रखा हूँ इसको 60 to 61 के बीच में, ठीक है। उसी तरह ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो ओबीसी का 1723 वैकेंसी था, 65.6 कट ऑफ गई थी, है ना। तो 2577 में मैं जो कट ऑफ रखा हूँ इस समय 2577 वैकेंसी है, और 57 to 58 रॉ मार्क्स के पर नहीं है ये, ना परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन पर है। तो सभी लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। एससी का 59.9 गया था 1016 पोस्ट में, मैं रखा हूँ इस समय 53 to 54 में, 1432 पोस्ट में, ठीक है। और वहीं पर 530 में वैकेंसीज थी, 530 पोस्ट की, तो 56.6 गया था पीटी के लिए। और अभी 722 वैकेंसी है एसटी का, तो 50 to 51 जाएगी। ईडब्ल्यूएस का इस समय जो वैकेंसी है वो 934 पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसमें मैं 55 to 56 ही रखूँगा ईडब्ल्यूएस की। और एक्स सर्विस मैन के देख सकते हैं 1288 पोस्ट की वैकेंसी थी सर, और कमर्शियल अप्रेंटिस की भी, जिसमें 40 30 30 31, 40 30 30 31 कट ऑफ गई थी। तो 1867 में थोड़ा सा कम रख दिए हैं, 38 29 29, 38 29 29 30। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर होता है, अगर ये स्कोर आएगा तो ये कट ऑफ आप लोग पीटी के लिए
क्वालिफाई कर लेंगे। तो अभी कौन कौन सेफ है ये मैं बोलना चाहूँगा। रॉ मार्क्स वाले तो 40 से 50 मार्क्स वाले लोग अभी भी सेफ हैं, ठीक है। यहाँ तो 100% उनका सिलेक्शन है 40 से 50 मार्क्स वाले लोग का। और ये जो देखा जाए पांच जोन में अभी तक जो मैं वीडियो बनाया हूँ सबसे कम कट ऑफ यहीं जाने वाली है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मैं कट ऑफ बनाया हूँ, रॉ मार्क्स पर नहीं बनाया हूँ, ठीक है। 50 to 60 मार्क्स वाले तो एब्सोल्युटली श्योर है यहाँ सेफ है। 60 to 70 मार्क्स वाले तो आराम से आप लोग पीटी की तैयारी कीजिए। और हार्ड शिफ्ट वाले लोग तो आराम से ही इनका सिलेक्शन होना है। ग्रुप डी अगर साउथ सेंट्रल रेलवे 2022 की बात की जाए सिकंदराबाद जोन की, ठीक है। तो यही सबसे अभी तक कम कट ऑफ है दोस्तों। ये जो आंकड़ा है बहुत ही कैलकुलेशन वाला आंकड़ा है और बहुत ही मैंने इस पर काम किया है इस आंकड़े के लिए। तो ये आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग के जो डाउट्स रहते हैं कि सर किसको तैयारी करना चाहिए किसको तैयारी नहीं करना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ 40 से 50 मार्क्स वाले लोग श्योर शॉट तैयारी कीजिए, ठीक है, पीटी के लिए। और अभी नहीं करेंगे तो समझिए कम मार्क्स वाले लोग आपका वैकेंसी आपकी सीट ले लेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ टॉपर स्टूडेंट लोग इसमें छड़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% टॉपर स्टूडेंट लोग आराम से इसमें छड़ जाते हैं। आप लोग ज़रूर तैयारी कीजिए अगर आप लोग का स्कोर एवरेज भी है तो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट जो बनाऊंगा मैं बेंगलोर जोन का बनाऊंगा, फिर कोलकाता जोन का बनाऊंगा, दिल्ली जोन का बनाऊंगा, सभी जोन का धीरे धीरे वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए और अर्जुन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों।